A condenser of capacity C is charged to a potential difference V1, right? तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है. The plates of condenser are then connected to an ideal inductor of inductance L. तो यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका वैल्यू L है, इसका अक्रॉस पोटेंशियल V1 है. The current through the inductor when the potential difference across the condenser reduces to V by 2. तो अभी क्या होगा, नाउ ये जैसे ही कंडेंसर को हम लोगों ने इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्या होगा, V1 रिड्यूस होगा, मान लो V2 हो रहा है, एंड ऑब्वियसली V2 इज लेस देन क्या होगा, V1 होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. तो एट दैट इंस्टेंट आपसे क्या पूछा है, बोलो करंट का वैल्यू कितना आएगा, राइट. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. इनिशियल लेवल पे देखो जो आपके पास चार्ज आएगा वो चार्ज कितना होगा, C इंटू V1. एंड जब ये कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल जो चार्ज होगा टाइम टी पे, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एट कौन सा दिया है, कुछ दिया है क्या, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर इतना ही लिखता हूँ, इज. तो ये आएगा Q इज इक्वल टू, उसका कैपेसिटी तो C है एंड उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V2 है, राइट. ओके, उसके बाद देखो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर कितना आएगा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर इज. अभी ये चार्ज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर जो होता है वो क्या होगा, फंक्शन साइनोसाइडल फंक्शन होगा, आइदर साइन का नहीं तो कॉस का होगा. तो साइन का भी ले लो, कॉस का भी ले लो, डजेंट मैटर, आपको आंसर मिलने वाला है. तो मैं कंसिडर करता हूँ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, राइट. जैसे साइन टी चेंज हो रहा है तो क्यू का वैल्यू भी चेंज होगा, ये आएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी. तो जो साइन ओमेगा टी है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. तो ये आएगा सी वी टू डिवाइड बाई सी वी वन. मतलब यहाँ पर जो आपका साइन ओमेगा टी है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वी टू बाई वी वन. ये हो गया, यहाँ पर साइन ओमेगा टी का वैल्यू आ गया. उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, करंट थ्रू द इंडक्टर पूछा है. तो अगर मुझे चार्ज पता है तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं. करंट थ्रू द इंडक्टर इज आई, आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी. तो चार्ज तो तुम्हारे पास है ना, उसको डिफरेंशिएट करो, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा. तो आपको करंट मिला, तो आई इज इक्वल टू क्यू नॉट का फॉर्मूला है आपके पास क्या, सी इंटू वी वन. तो ये आ जाएगा सी इंटू वी वन. ओमेगा क्या होता है, वन बाय रूट ऑफ एल सी इंटू कॉस ओमेगा टी. को मैं साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. तो उससे जो कॉस आएगा वो क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का पावर वन बाई टू आ जाएगा, राइट. चलो फिर इसको लिखते हैं, ये क्या होगा, वी वन अंडर रूट ऑफ सी को अंदर लेके जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, सी बाई एल इंटू ये वन माइनस, अच्छा साइन का वैल्यू आपके पास है वी टू बाई वी वन, उसको यहाँ पर पुट करो तो ये वी टू बाई वी वन का स्क्वेयर का पावर वन बाई टू आ जाएगा. तो अभी ये जो वी वन रूट सी बाई एल है उसको अंदर लेके जाओ, ये कैसे आएगा, देखो वी वन का स्क्वेयर सी बाई एल, राइट, इंटू वन माइनस वी टू बाई वी वन का स्क्वेयर, राइट, का पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग. तो सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, देखो मल्टीप्लाई करो ये जो बाहर सी ऑप्शन देखते, एक मिनट, हाँ सी बाहर है ना, सी है, एल एल नीचे है, ओके सी बाई एल को वैसे ही रखता हूँ, वी वन स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वी वन स्क्वेयर माइनस वी टू स्क्वेयर आ जाएगा. इसका पावर क्या है यहाँ पर, वन बाई टू है. तो सी बाई एल वी वन का स्क्वेयर माइनस वी टू का स्क्वेयर का पावर वन बाई टू, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, राइट.